मेहनती किसान। एक गांव में भोला नाम का किसान रहता था, जो बहुत ही मेहनती था। लेकिन वह अपने खेतों को देखकर दुखी रहता था, क्योंकि उनके खेतों में सूखा पड़ गया था। इसी संबंध में उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, कोई काम धंधा ढूंढ लो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, मैं कल से कोई काम धंधा ढूंढने जाऊंगा। अगली सुबह उनके घर एक पंडित जी खाना खाने आए तो उससे भोला बोला, बाबा जी, मैं कोई काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खेती के बगैर कोई काम नहीं आता और खेतों में मेरे सूखा पड़ा हुआ। बताओ बाबा जी, मैं क्या करूँ? पंडित जी बोले, भोला, तुम मेहनत करो। अगर तुम्हें खेती करनी ही अच्छी लगती है तो तुम खेती करो, क्योंकि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। भोले ने पंडित जी की बात मानी। अगली सुबह हुई तो भोला अपने दो बैलों को अपने साथ लेकर खेत में चला गया, ताकि जो वह खेती कर सके। फिर भोले ने खूब मेहनत की। वह दिन भर खेतों में अपने दो बैलों के साथ हल चलाता रहा। कुछ दिनों बाद उसके खेत बिल्कुल फसल बीजने के लिए तैयार हो गए। ये भोले की मेहनत का ही फल था। कुछ दिनों बाद भोले के खेतों में खूब बारिश हुई, जिसकी वजह से उसकी फसल हरी भरी हो गई। अब फसल में फल और सब्जियां लगने लगी थी, जिसे देखकर भोला बहुत खुश हुआ। वह फल और सब्जियों को तोड़कर अब शहर में जाकर बेचने लगा। वह गली गली और शहर शहर बेचने लगा, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अब भोला गली गली सब्जी बेचने लगा और खूब पैसा कमाया। भोला और उसकी पत्नी अब खुश रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें खूब मेहनत करनी चाहिए।